Hey guys, this is Kaushal Aslam from Kashis and welcome back to my YouTube channel once again. And I am so happy with all the response I got from my last tutorial of eye makeup. And now I know how anxiously you were waiting for my makeup tutorial. And now I'll try to do such kind of videos more often. जैसा कि मेरा ड्रीम था 2020 में अपनी मेकअप रेंज लॉन्च करने का, उसका आगाज़ हो चुका है और आप में से बहुत सारे लोग जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मेरी अपनी प्रोडक्ट के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से बहुत इजी तरीके से ओबियसली वो मेकअप हो सकते हैं। अपनी काफ़ी पुरानी वीडियोज़ आपने मेरे मेकअप की देखी होंगी जिसमें मेरे ख्याल में बड़ी कोई डिटेल नहीं होती थी मेकअप की। ख़ास तौर पर जो आप लोगों का फीडबैक हमेशा इसमें रहा है यूट्यूब पर, और अभी मेरी जो रीसेंट मेरी जो मेकअप की वीडियोस आ रही हैं इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं मेकअप, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है मैं अपने तमाम जितने भी सीक्रेट्स हैं मेकअप की, जो मेरे अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी अपनी इस मेकअप के हवाले से मेरी जो जर्नी रही है, जो मैंने सीखा है, उस हिसाब से मैंने अपनी ओबियसली अपनी काशीज रेंज मेकअप की जो अपनी बनाई है मैंने उसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से ईजी तरीके से आप लोग उससे मेकअप कर सकेंगे। आई एम श्योर कि मेरे जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि जिस तरीके से इजी तरीके से आप लोग मेकअप सीख सकें, ख़ास तौर पर मेरे मेकअप में ये मेरी कोशिश होती है कि, और मैं आप लोग तमाम लोगों को एडवाइस करूँगा कि मेकअप करें तो हमेशा मेकअप में एक सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे ट्यूटोरियल्स होते हैं जितने भी उसमें प्रॉपर एक नीट लाइन होती है। अगर आई शेडो है तो वो कोई बहुत मतलब मैस नहीं होता है, बिल्कुल फैला हुआ नहीं होता है। कोई भी एक मैं हाइलाइटर लगा रहा होता हूँ तो उसको भी बड़ा एक नीट तरीके से लगा हुआ होता है। फिर सेकंड शेड हो या उसका ट्रांजिशन शेड हो या काजल लगा हो या मस्कारा लगा हुआ हो कि नीचे आए बैग्स के नीचे कोई ज़्यादा मैस ना हो, बहुत ज़्यादा लैशेज पे फॉल आउट ना हो, ग्लिटर्स ना गिरे हुए हों। तो खास कर मेरे मेकअप में मेरी मोस्टली कोशिश ये होती है एक साफ़ सुथरा एक अट्रैक्टिव मेकअप हो। तो जितने भी लोग जो ओबियसली मेरे काम को पसंद करते हैं, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरी गाइडलाइन लेना चाहते हैं, सबसे पहले उन तमाम लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो मेकअप करते हुए जब भी आप कर रहे हो मेकअप स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग से बिगनिंग से ही आप लोगों को जो ध्यान रखना है कि वो आपका मेकअप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं हो उसमें, कोई सा भी ऐसा डस्ट पाउडर ऐसा ना हो कि बहुत आईब्रोज़ पर या लैशेस पर लगा हुआ हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत चीप लग रहा हो तो बहुत बुरा लग रहा होता है। अगेन आज जो मेकअप करने जा रहा हूँ वो काशी सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट से है। काशी सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट आज के मेकअप में मैं ग्रेसफुल शेड आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको मज़ीद इन्हेंस करना है। जैसे प्रीवियस मेरी अपनी मेकअप की जो वीडियोज़ थी उसमें वो आई मेकअप, वो कलर्स की शार्पनेस ओबियसली काशी सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट से थी, और इस एक पैलेट से कितने मज़ीद खूबसूरत मेकअप हो सकते हैं इंशाल्लाह कंटिन्यूसली आप मेरे इस YouTube चैनल पर देखते रहेंगे अपना। नाउ आई एम गोना स्टार्ट द मेकअप। फर्स्ट अप्लाई बेस प्रॉपरली ऑन फेस एंड आई and now I'm using my watercolor eyeshadow number 5 to highlight the upper corner of eye. हाइलाइटर के लिए अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं कि ये हाइलाइटर है या क्या है, तो बेसिकली ये मेरा वाटर कलर आई शेडो है, इसको एज अ हाइलाइटर मैं मोस्टली यूज़ कर रहा होता हूँ अपने अक्सर मेकअप में, आप लोगों ने देखा होगा। इसका तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको हल्का सा आप वेट करके ब्रश को आप इसको अपना हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लगा रहा हूँ काशीज़ आई शेडो बेस। आपने मोस्टली मेरी मेकअप वीडियोस में देखा होगा कि मैं ये आई शेडो बेस लगा रहा होता हूँ कोई सभी आई शेड एप्लीकेशन करने से पहले, क्योंकि इसकी वजह से कलर बहुत शार्प और बहुत खूबसूरत आता है और क्रीज लाइन जो है इसकी वजह से नहीं आती बिल्कुल। नाउ आई एम गोना अप्लाई द शेड ग्रेसफुल फ्रॉम काशी सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट। आई एम कम्फर्टेबल अप्लाइंग इट विद फिंगर, बट अगर आपको कम्फर्टेबल लगे फ्लैट ब्रशेज वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको ब्लेंड करना है, कोई सी भी हार्श लाइन ना हो। नाउ आई विल अप्लाई काशीज ग्लोइंग शिमर शेड नंबर 3 एट इनर कॉर्नर ऑफ आई। इससे आँख ना सिर्फ ये कि अच्छी लगती है बल्कि ये एक बहुत ग्लैमरस लुक भी इस शेड को लगाने के बाद आता है।
अब आई के आउटर कॉर्नर पर सिल्क एंड स्लीक पैलेट का कलर रॉयलिटी में यूज़ कर रहा हूँ। इसकी एप्लीकेशन काशीज प्रोफेशनल ब्रश किट से K11 ब्रश से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अगेन इसको मज़ीद ब्लेंड करने के लिए K11 ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ। एक बहुत ही फ्लफी सा ब्रश है, इससे कोई सी भी हार्श लाइन क्रीज पर जो लगी हुई होती है वो बहुत ईजिली रिमूव हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और शेड बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। अगेन मैं यूज़ कर रहा हूँ काशीज का K1 ब्रश। To add more value to this makeup, I add a bit of dark color and this shade is called Harmony and I am just applying a bit at corner. ये सारा कमाल ब्लेंडिंग का है कि आप कितना अच्छा ब्लेंड करते हैं। और इस ब्लैक हारमनी शेड की एप्लीकेशन मैं काशीज के K15 ब्रश से कर रहा हूँ। Again, I'm using this royalty color as a transition from Kashi's Silk and Sleek eyeshadow palette. Again, I'm using Kashi's eyeshadow base क्योंकि मैं अभी shimmer लगाऊंगा eyes पर, इसलिए बहुत अच्छा होता है eyeshadow base जब हम लगाते हैं तो shimmer बिल्कुल भी fall out नहीं होता है। And after this, I'm gonna add this beautiful shimmer from Kashi's makeup range. And with this, your eyes looks all bling and shimmery. And these days, this is what everyone asks for. Now I'm gonna apply this Kashi Super Black Eyeliner. Mostly, आपने देखा होगा कि ये lash line पर मैं अपने मोस्टली मेकअप में यूज़ कर रहा होता हूँ ये टेक्निक। मेरे हिसाब से ये बहुत बेस्ट है क्योंकि लैशेस बैंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। अगर हम लैशेस लगा लेते हैं बाद में तो कहीं ना कहीं आई शेडो जो है वो नज़र आ रहा होता है। अगेन आई एम यूजिंग काशीज जाइन ब्रश मस्कारा, एक बहुत ही थिक और एक बहुत जेट ब्लैक। इसकी वजह से लैशेज जो है वो बहुत अच्छी इन्हेंस हो रही होती हैं। अगर आपको उसको मज़ीद इन्हेंस करना है तो आफ्टर एप्लीकेशन 15 सेकेंड जैसे लैशेस ड्राई हो जाए तो आप इसको अगेन एक कोट कर सकते हैं। नाउ आई एम अप्लाइंग काशीज लैशेस एंड द नेम ऑफ दिस लैशेस इज ब्राइडल। बहुत ही खूबसूरत लैशेस हैं, इनर कॉर्नर से बहुत नेचुरल सी लाइट सी है और आउटर कॉर्नर से काफ़ी आप देख सकते हैं लिफ्टेड सी है और ज़रा थिक है, जिसकी वजह से एक बहुत ही खूबसूरत लुक आ जाता है। और अगर आप इसमें आई लाइनर नहीं भी लगाएं तो भी ये मेकअप खूबसूरत लग रहा होता है इस लैशेस की वजह से। आइज की वाटर लाइन पर मैं काशीज जेल लाइनर ब्लैक कलर का वो लगा रहा हूँ और इसको एज अ काजल यूज़ कर रहा हूँ मैं। और अगर आपको इसको मज़ीद इसको शार्प करना है तो आप इसकी सेकेंड एप्लीकेशन करके इसको मज़ीद डार्कर कर सकते हैं। Now again I'm using this gorgeous graceful shade from Silk and Sleek palette और आप देख सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कितनी अच्छी है कि अंडर आइज पे भी ये लग रहा है तो एक बहुत ही इंस्टेंटली बहुत खूबसूरत और ग्लैमरस लुक आ रहा है। इवन कि अभी भी स्टिल इसमें आई लाइनर नहीं लगा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो एज एन ऑप्शन आप आई लाइनर भी लगा सकते हैं और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। Again, I'm using Kashi's Giant Brush Mascara for lower lashes. Again, I'm using Kashi's Watercolor Eyeshadow inner corner पर, उसका नंबर है 5। और उसको लगाने के बाद अगेन काशीज आई ग्लोइंग शिमर में लगा रहा हूँ ताकि आईज़ जो हैं मज़ीद इन्हेंस हों और लोअर लैशेस पर जिस तरह से ग्रेसफुल शेड लगा हुआ है इसी तरह से इनर कॉर्नर पर आप देखेंगे अभी कि इंस्टेंटली ये मेकअप मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। मज़ीद नीट करेंगे इसको ब्रश से कोई भी फॉल आउट, कोई सभी शेडो का शिमर का कोई भी पार्टिकल हो, ताकि आईज़ जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेकअप कभी भी आप कर रहे हो तो नीटनेस का खास ख्याल रखें। आपने देखा होगा मोस्टली मेरे मेकअप में जब मैं स्टार्ट कर रहा होता हूँ तो स्टार्टिंग से ही
मेकअप को एक एक शेड को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रहा होता हूँ मैं, भले से वो हाइलाइटर हो, वो आईलेट का शेड हो, वो एज अ ट्रांजिशन शेड हो, कोई से भी कलर्स हो। अगेन आप देख सकते हैं इस मेकअप को विदाउट आईलाइनर कि ये एक बहुत ही एक ब्लेंडेड और एक अट्रैक्टिव सी एक लुक है। इसके अलावा उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों को, काफ़ी लोगों को आउटर कॉर्नर जो है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए होते हैं और काजल चाहिए होता है आईज पे, और उन लोगों को जिन लोगों को आँखों को मज़ीद एनहेंस करना है तो वो इसमें वाटर लाइन के लिए वाइट शेड यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद आँखों की अगर लेंथ करनी है तो आई थिंक आई लाइनर जो है वो बहुत बेस्ट ऑप्शन है उन तमाम लोगों के लिए जिनको आई लाइनर बहुत पसंद है। कैथलिन और 60s आई लाइनर, वो सारे मेकअप इसमें यूज़ हो सकते हैं, टेक्निक यूज़ हो सकती हैं इसमें। अगर आपको रिक्रिएट करना है ये लुक तो आप काशी सिल्क एंड स्लीक पैलेट के और भी काफ़ी सारे कलर्स हैं, तो सेम मेथड जो है वो आप इसको सेम मेथड में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से इसमें ऑब्वियसली ग्रेसफुल शेड है जो एक बड़ा एक खूबसूरत सा एक पिंक लुक आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें आपके पास ऑप्शन है कि इसमें कोई से भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। आईलिट के लिए, अंडर आइज़ के लिए कुछ डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन हैं, उसमें ब्लू है, उसमें ग्रीन है, और प्रीवियस मेरे मेकअप में भी उस तरह की कोई टेक्निक यूज़ की हैं, लेकिन हर मेकअप की कहीं ना कहीं एक अलग जो है टेक्निक होती है, ट्रिक्स होती हैं, स्पेशलिटी होती है। इस मेकअप को आप देख सकते हैं कि अभी मैंने मज़ीद इसको चेंज कर दिया है आई लाइनर लगा कर, और स्टिल आई लाइनर लग कर भी एक मज़ीद एक ग्लैमरस लुक और आइज़ मज़ीद एक लेंथ आपको लग रही होगी कि आँख की जो है लेंथ बहुत एक खूबसूरत सी हो चुकी है। जिन लोगों को लाइनर बहुत पसंद होता है तो उनके लिए आई थिंक ये बहुत परफेक्ट मेकअप है। एज अ ब्राइडल मेकअप आप इसको यूज़ कर सकते हो वलीमा रिसेप्शन पे, आप इसको एज अ एंगेजमेंट यूज़ कर सकते हैं, आप इस मेकअप को एज अ मॉडल पार्टी मेकअप यूज़ हो सकता है ये मेकअप। कंप्लीट मेकअप को हर एंगल से दिखाने का मकसद स्पेशली यही होता है कि आप लोगों को जो भी ओबियसली मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो अक्सर मैं देख रहा होता हूँ काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को, और वो बहुत मेरे मेकअप को रिक्रिएट कर रहे होते हैं दोबारा से, और मुझे देखकर भी बहुत खुशी होती है कि मेरे तमाम मेकअप जो भी अब इवन के मैं मज़ीद गाइडलाइन के साथ ट्यूटोरियल्स बना रहा होता हूँ उन तमाम मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत पसंद करते हैं, ताकि उनको बहुत ज़्यादा उनको सीखने का मौका मिले मेरी इन तमाम वीडियोस में। जिस तरह से आपको मेकअप करते हुए मैं ग्रेजुअली सारी चीज़ें वैसे भी डिटेल में बता रहा होता हूँ कि किस तरह से आप सिंपल मेकअप रख के भी आपको कहीं समझ में आता तो वहाँ पर अपना मेकअप आप स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा अगेन जो है अगर लाइनर नहीं लगा हुआ तो एक मेकअप की क्या लुक है, और अगेन लाइनर के बाद मेकअप की क्या लुक होती है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि अक्सर मैं ज्वेलरी के साथ भी पूरा मेकअप जो है पूरा एक प्रेजेंटेशन के साथ जो है सारे मेकअप को एनहेंस करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को एक अवेयरनेस मेकअप के लिए आप लोगों को डिटेल पता हो कि किसी भी मेकअप को किस तरीके से ग्लैमरस बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड करते हैं जिससे एक काफ़ी डिफरेंस आ जाता है मेकअप में। जिस तरह से आपने देखा होगा कि शेड्स में लगा रहा होता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं इतने सारे कलर्स लगाऊं, अगर मैं ऑब्वियसली मैंने अपना जो वाटर बेस्ड आई शेडो लगाया है वो लगाऊंगा, या मैं ग्रेसफुल शेड लगाता मस्कारा लगाता तो उस मेकअप की एक अलग खूबसूरती होती। हर मेकअप को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए चेंज करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक अच्छे प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे ब्रश का होना मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक काशी सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट जो है वो बहुत इजी है, इसकी वजह से जिस तरह से ऑब्वियसली इसका पिगमेंट है इन रंगों का तो मेकअप करना बहुत इजी हो जाता है। ब्रश जो है ब्रश की एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होती है, मोस्टली कभी कभी ब्रशेज हमारे हाथों में बहुत स्ट्रॉन्ग से होते हैं जिनसे शेड्स जो है बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं होते हैं। ऑब्वियसली फिर इसीलिए मैंने एक प्रॉपर अपने प्रोफेशनल ब्रश सेट से पूरी एक रेंज बनाई जिसमें ऑलमोस्ट 29 ब्रशेज हैं, इसमें हर तरह की आई मेकअप के लिए इसमें वैरायटी है आप लोगों के पास। बहुत सारे लोगों के हाथों में ऑब्वियसली डिफरेंट तरह के ब्रशेस जो हैं वो सेट होते हैं, तो आई थिंक इस ब्रश में वो तमाम ब्रशेस की रेंज है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई ब्रशेस ले रहे होते हैं तो उसमें हमारी पसंद के ब्रशेस कम होते हैं, तो ऑब्वियसली मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एज अ मेकअप आर्टिस्ट जो इतने अरसे का मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरा इंट्रैक्शन है, तो उसी हिसाब से मेरे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसी हिसाब से मैं अपनी एक एक प्रोडक्ट, भले से वो मेरे आई शेडो हों, आई शेडो पैलेट्स हैं, वो मेरे फाउंडेशंस हैं, वो शिमर हैं, वो ब्रशेज हैं, और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पर्सनली मेरी अपनी कस्टमाइज होती हैं। हर चीज़ को बनवाने से पहले उनके टेस्टर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर मैं उनको प्रॉपर चेक कर रहा होता हूँ, और अपने स्टूडेंट्स के लिए भी खासतौर
पे मैं चेक कर रहा होता हूँ इन तमाम प्रोडक्ट्स को कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट एक्सपीरियंस होल्डर होता है तो वो ऑब्वियसली बहुत आसानी से कर लेता है किसी नॉर्मल प्रोडक्ट से भी काम। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो बिगिनर्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनको मेकअप की इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको मेरी वीडियो से काफ़ी गाइडलाइन मिले। और ऑब्वियसली मेरी प्रोडक्ट है उनको मैंने स्पेशली डिज़ाइन ही इसी तरह से किया है, बनाया ही इसी तरह से, उनकी एप्लीकेशन ही ऐसे हैं कि आपको उनके 100% रिजल्ट्स मिले। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।